नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। जो हमारे पास में 2014 ह्युंडई सांटा फे आई है प्रोजेक्टर लेंस अपग्रेड करने के लिए। इसका लाइट डिम हो गया है, लाइट रास्ते पे ज़्यादा गिरता नहीं है और काफ़ी लोगों को पता भी है जो इसको ऑनर करते हैं ये गाड़ी को, और जो कंपनी फिटेड प्रोजेक्टर लेंस आते हैं जिसके अंदर में ज़ेनॉन्स लग के आती है कि कुछ सालों के बाद में उसकी जो ओई लाइट्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अंदर में ऑलरेडी हाई बीम में एक HID किट लगी है, सॉरी LED किट लगी है, फॉग लैम्प में भी लगा है, लेकिन फिर भी इसकी लो बीम अच्छी नहीं गिरती। मैं ट्राई करता हूँ रात का इसका थोड़े से शॉट्स लेने का, लो बीम कैसा गिरता है। उसके अंदर में प्रोजेक्टर लेंस लगा है, स्क्वायर लेंस है इसके अंदर में, और हम इसके अंदर में हेला के साथ अपग्रेड करेंगे, हेला G5 सेवन्थ जनरेशन, और उसके साथ में हम यूज़ करेंगे 42 वाट की HID किट, कैनबस बैलेस्ट और CBB ओसराम का बल्ब रहेगा, और DTS बल्ब के साथ में DTS अडेप्टर के साथ सब कुछ प्लग एंड प्ले में ही हम इसके अंदर में इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो वही फैक्ट्री फिटेड प्रोजेक्टर लेंस जो है वो इस तरीके से दिखता है, और वो हाई बीम का रिफ्लेक्टर H7 का इस्तेमाल होता है उसके अंदर में, और इसके अंदर में आती है D3S की 35 वाट HID किट बैलास्ट के साथ में, वो भी ह्युंडई मोबिस का ही होता है, स्लोवाकिया में असेंबली होता है ये हेडलाइट्स का, और इसके सारे स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है साउथ कोरिया में। और उसके बाद में हम इसके अंदर में इंस्टॉलेशन देने वाले हैं ये हेला G5 सेवन जनरेशन, ठीक है। और उसके साथ में मैं HID किट का बैलेंस जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ, HID किट का बैलेंस जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये देख सकते हैं ये है 42 वाट का है, 55 वाट भी नहीं है, सुपर शॉर्ट कैनवस है, कैनवस लगाना ज़रूरी होता है ये गाड़ी में, नहीं तो आपका सिस्टम जो है प्लेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम वो कभी कभी डिच कर जाता है, बंद होता है। आप ओपन वाला पैकिंग भी देखिए, और जब मैं इसको पैकिंग करूँगा ये सेम ग्लास के साथ में ही पैक करूँगा, और इसमें कोई भी वो ऊपर से सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो आफ्टर मार्केट आता है, जो हेडलाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो उसमें डालते, वो नहीं डालूँगा इसके अंदर में, ओई फिटेड सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करूँगा। जैसा बताया था कि इसके पैकिंग देखो, हम लोग कंपनी का ही सिलिकॉन यूज़ करते हैं, सीलेंट, इसके दाँते सारे के सारे दाँते एग्जैक्ट लगे हुए हैं, साइड से भी इसकी मेजरिंग, और ये रहा इसका 3 इंची प्रोजेक्टर लेंस, और हाई बीम में LED है, LED पहले से ही लगी हुई थी, हमने तो सिर्फ इसके अंदर में प्रोजेक्टर लेंस अपग्रेड किया है। ये रही इसकी लाइट, नाइट व्यूज दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रोड पे गिरता है, लेवलिंग वगैरह सब रात को ही कर लिया था मैंने, क्योंकि इसका पैकिंग था। तो ये हमारा हेला का आउटपुट 3 इंचेस लेंस के साथ में, 42 वाट कैनबस बैलस्ट के साथ, लेफ्ट 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 नहीं तेज तेज गली होती ना, हाँ क्या 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 सेट लगे, कट ऑफ शेड्स भी आप देख सकते हैं लो बीम का, अपोजिट डायरेक्शन आने वाले व्हीकल्स को तकलीफ नहीं करेगा। बस असुविधा था हाई बीम, तो ये रहा हाई बीम, हाई बीम्स को आपको तो पता ही है कि इसके हाई बीम रिफ्लेक्टर में LED लगा हुआ है, तो कॉम्बिनेशंस के साथ में आपको मिसमैचिंग भी कलर्स नहीं होगा, राइट। और ये व्हीकल के अंदर में ऑटो हेडलाइट एडजस्टमेंट सिस्टम लगा हुआ है, डाउन और अप का फंक्शंस इसमें ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, मैं आपको आगे से भी दिखा दूंगा इसकी लाइट कैसी गिरती है।
तो ये इसकी पार्किंग लेंस। अभी चलो इसकी दिखाता हूँ मैं आपको लो बीम। तो ये रही इसकी लो बीम और ये रहा इसका हाई बीम। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोजेक्ट्स हमें कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो देखने के लिए।